नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान सी वीडियो जो कि आपके बहुत ही काम के होने वाले हैं। तो नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, तो आप लोग नवरात्रि के लिए चाहें तो घी के बाती घर में बना के रख सकते हैं। और एक बार बना लेंगे घी के बाती तो आप इसे पूरे नवरात्रि बहुत ही आराम से जला सकते हैं। और रोज की पूजा पाठ भी करते हैं तो आप इससे अपने दिया को अच्छे से जला सकते हैं। बार बार आपको बाती बनाने की और घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। घी के बाती बनाने के लिए यहाँ पर मैं ली हूँ गाय का घी। तो इसका कलर आप देख पा रहे हैं कि पीला पीला सा है। और गाय का घी आप घर का भी बना हुआ ले सकते हैं या बाजार से भी आप ले सकते हैं। पूजा पाठ में गाय का ही घी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे आप अपने घर में कौन सा घी का दिया जलाते हैं तो आप देख लीजिएगा। और दूसरा जो चीज़ है वो चाहिए होगा हमें मोल्ड। तो आपके पास यदि इस टाइप का सिलिकॉन मोल्ड है तो आप सिलिकॉन मोल्ड ले सकते हैं, ये टॉफी बनाने वाला है। और यदि आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है तो जो हम लोग आइस ट्रे जो रहता है फ्रिज में उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। और नहीं तो सबसे आसान तरीका जो है वो है इस तरीके का, जो छोटा छोटा आपके पास कटोरी होगा बहुत छोटा, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। और नहीं तो आप कोई भी डब्बे का जो छोटा सा ढक्कन होता है, पानी का बोतल हो या कोई भी, तो उसके ढक्कन में भी आप इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आप देख लेंगे आपके पास जो सहूलियत हो, जो सुविधा हो, आप उस तरीके से इसको बना लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी घी को साइड में रख देते हैं और इसको भी साइड में रख देते हैं, अभी इसका हमें ज़रूरत बाद में पड़ेगा। बाती बनाने के लिए हमें चाहिए होगा इस टाइप का रुईया। तो आपको ना ये बहुत आसानी से मिल जाएगा बाजार में, इससे ही बाती बनाया जाता है, चाहे वो लंबा वाला बाती हो या गोल वाला बाती हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे हम लोग। घी का दिया बनाने के लिए हमें लेना है इतना सा रुई, और रुई को थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों सिरे को एक में मिक्स करेंगे। और इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग करेंगे। इसके लिए थोड़ा चाहिए होगा हमें पानी, तो आप पानी की जगह पे थोड़ा सा दूध भी लगा सकते हैं। बस हल्का सा हमें उंगली को भिगाना है जिससे कि इसका जो ये बने वो अच्छे से बने। और इसी तरीके से हमें दूसरा बाती भी तैयार करना है। और ये जो नीचे से है इसको थोड़ा हम लोग इस तरीके से फैला लेंगे जिससे कि ये जो बाती है अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं आपको एक बना के और दिखा देती हूँ, और आप कलरफुल भी बाती बना सकते हैं। देखिए बस यहाँ जो है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पानी लगा के, और हल्का सा, यदि ये पतला बहुत ज़्यादा हो गया है तो हल्का सा इसमें और रुई लगा के इसको थोड़ा सा मोटा कर लीजिए जिससे कि ये अच्छे से जल पाए। तो ये प्लेन बाती हो गया। अभी मैं आपको कलर वाले भी बना के बाती दिखाती हूँ। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे, पसंद आए, उस तरीके से आप बाती पहले तैयार कर लीजिएगा। कलरफुल बाती बनाने के लिए यहाँ पर ली हूँ रेड कलर। आप इसी तरीके से रेड कलर, ग्रीन कलर जैसा चाहे इस तरीके का जो फूड कलर आता है वो आप ले सकते हैं। बहुत ही तरह के कलर में ये मिल जाता है, और इससे भी आप बहुत खूबसूरत सा बाती बना के तैयार कर सकते हैं। रुई थोड़ा सा ही लेना है, और इस तरीके से लेके फिर से वापस से हमें उसी तरीके से ये दोनों सिरे को एक में मिलाना है और थोड़ा पानी लगा लेना है। देखिए दोस्तों हमारे हाथ में पहले से ही रंग लग गया। अब थोड़ा इसमें रुई और लगाएंगे। अब जो ये रंग है इसको हाथ में थोड़ा सा सटाके और इस तरीके से इसको कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इस तरीके का आपका कलरफुल बाती भी बनके तैयार हो जाएगा। आप अलग अलग कलर में इसको बना सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ बाती बना लेते हैं, उसके बाद आपको बनाने का भी तरीका बताती हूँ। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो ज़रूर से वीडियो को लाइक दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे से वीडियो शेयर करनी बाकी है, तो आप हमारे सारे ही वीडियोस को देख पाएं इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना जरूरी होता है, तभी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा पाएगा। इसी तरीके से हमें बाती बना लेना है, और आप एक बार में चाहें तो महीनों चलने के लायक बना सकते हैं।
40 से 50 बाती भी बना सकते हैं, और आपकी मर्जी के आप इसको कितना बनाना चाहते हैं। ये जो बाती है ना, इसका मैं जो तरीका ऐसा शेयर करूंगी आपके साथ कि ये घी का बाती है, लेकिन ये रखने से भी मेल्ट नहीं होगा, चाहे आप गर्मी में बना रहे हो चाहे आप ठंडा में बना रहे हो। तो आपको मैं दो तरीका बताऊंगी, आप लोग जिस तरीके से बनाना चाहते हैं उस तरीके से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा बाती मैं बना के ले ली हूँ। अब लेंगे यहाँ पर ये वाले मोल्ड को, और मोल्ड में पहले हम लोग बाती को सीट कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो है इसको थोड़ा सा आप फैला के और इसमें रखिए, जिससे कि ये जो है आराम से खड़ा रहे और बाद में ये गिरे ना, झुके ना। तो इस तरीके से हम लोग सारे मोल्ड में डाल देंगे इसको। देखिए ऐसे करके पहले इसको सेट कर लेना है। तो ये सब जो काम है आपको पहले ही कर लेना है, चाहे आप जिसमें भी बना रहे हैं, यदि छोटे छोटे से ढक्कन है उसमें भी यदि आप बना रहे हैं तो पहले इस तरीके से इसको सेट जरूर कर लीजिएगा। और इसमें बनाएंगे तो थोड़ा सा ये डिज़ाइनर बन के तैयार होगा। तो सारे में डाल लेते हैं। तो देखिए सारे में डाल ली हूँ, अब इतना बन पाएगा तो सारे में डालूंगी, नहीं बन पाएगा तो वो सादा ही रह जाएगा। अब इसमें दो तरीके का हमें वीडियो बनाना है एक ही बार में, तो इसके लिए पूरा ही मोल्ड को अच्छे से सजा ली हूँ। अब चलिए बनाने का तरीका आपको बताती हूँ, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं पाइएगा कि इसे हमने किस तरीके से बना के तैयार किया था। तो यहाँ पर लेंगे एक दूसरा बर्तन और इसमें डालेंगे हम लोग कपूर। तो जो कपूर हम लोग पूजा में यूज करते हैं वही कपूर लेंगे। ये डालने से क्या होगा, बत्ती आपके जो है बहुत ही अच्छा सुगंधित बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर चार टिकिया कपूर ली हूँ। कपूर को सबसे पहले हम लोग इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर चार टिकिया छोटे छोटे हैं, तो चार टिकिया, यदि आप बड़े कपूर का ले रहे हैं टुकड़ा तो आप दो भी डाल सकते हैं, और बाती ज़्यादा बनाएंगे तो आप कपूर भी ज़्यादा करके डाल लीजिएगा। अब जो ये घी है इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये जो बर्तन है थोड़ा छोटा है तो इसमें बनाते नहीं बनेगा। सारे घी को अच्छे से डाल लेंगे, आपको सिर्फ बता रही हूँ दोस्तों वीडियो में इतना सा घी से, जब आप बनाएंगे ना तो ढेर सारा बाती बना के रख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा ये काम करता है। अब कोई सा भी आप बर्तन ले ले, आप छोटा पतीला है तो भी ले सकते हैं, और इस तरीके का कोई छोटा सा बर्तन में इसमें डाल देंगे आधा गिलास के करीब पानी। बहुत ज़्यादा भर के पानी को हमें नहीं डालना है, और पानी डालने के बाद अब इसको गर्म होने देंगे। अभी क्या करेंगे, ये वाले जो घी वाला जो बर्तन है इसको पानी के ऊपर रख देंगे, जिससे कि ये गर्माहट से घी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए, और साथ में जो कपूर है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। तो आपको दो तरीका बताऊंगी, तो पहला तरीका मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद इसी पानी के अंदर दूसरा तरीका भी हम लोग आजमाएंगे। देखिए घी और कपूर है बहुत अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो चुका है, थोड़ा देर इसको और गर्म करेंगे, जब तक जो कपूर का ये टुकड़ा टुकड़ा सा है पूरा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। इतना देर तक आप इसको पानी में डाल के रखें। अभी कर देना है हमें गैस को बंद, और चलिए पहला तरीका देख लेते हैं। तो जब ये अच्छे से मेल्ट है उसी समय में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा घी को उठाएंगे और बाती के ऊपर डालते चले जाएंगे। तो ये दोस्तों ये बन रहा है घी की बाती, जो कि गर्मियों में यदि आप इस तरीके से इसको बना के रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाता है, और यदि आप फ्रिज में रखते हैं इसको तो ये सही रहता है। लेकिन आज जो मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगी वो तरीका किसी भी मौसम में काम करता है, और जो बाती है बिल्कुल भी सही बना रहता है। ये कहीं भी रख लें, फ्रिज में भी रखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है, और बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाता है। तो जो प्योर घी का बाती जलाना चाहते हैं वो इस तरीके से बाती बना सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये वाले घी को लेंगे, अभी ये गर्म है घी, और इसमें डालेंगे हम लोग मोम। तो ये कलरफुल मोमबत्ती ली हूँ, आप प्लेन वाला भी ले सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर मोम को डाल देंगे
जब मोम डाल के आप बनाते हैं बाती, तो ये क्या होगा कि इस घी को जमने में मदद करता है, और जो हमारा बाती होगा जब भी आप जलाएं, जिस भी समय जलाएं, तो ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता है। तो अभी इसको क्या करना है, इस डालने के बाद इसमें जो धागा है उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए अब इसकी तैयारी दिखाते हैं। तो जो ये गर्म पानी है, गर्म पानी के अंदर ही इसको डाल देंगे, और अच्छे से मोम को पघिलने तक, इसको गलने तक, इस थोड़ा सा गर्म होने देंगे घी को। ये सारा जो मोम है सारा पिघल के घी में ही मिक्स हो जाता है। और आप लोग इसका भी बाती बना के बहुत अच्छे से और दिया जला सकते हैं। दीपावली भी आने वाली है दोस्तों, तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से घर में आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइनर बाती भी बना के तैयार कर सकते हैं। जैसा आपका मोल्ड रहेगा डिज़ाइन वाला, उतना ही अच्छा आपका जो है बाती बन के तैयार होगा। तो जो ये जो है बैक्स वाला जो है, इसको हम लोग गर्म पानी के अंदर ही रख के और तुरंत ही मोल्ड के अंदर डालेंगे, नहीं तो जैसे ही पानी से बाहर निकालेंगे ये जमना शुरू हो जाता है। तो अभी कर देते हैं गैस को बंद, और इसके साथ ही ये बैक्स को रखेंगे गर्म पानी के अंदर डिप करके। अब देखिए इसको भी उसी तरीके से, सेम तरीके से हम लोग डालते चले जाएंगे सारे में, और ये जो है पानी के अंदर ही रखा हुआ है, इसमें से ही ले लेके हम लोग बाती बनाएंगे। आप सफ़ेद वाला मोम लीजिएगा, हमारे पास अभी नहीं था सफ़ेद वाला, तो वीडियो बनाने के चलते हमें बनाना था वीडियो, तो मैं सोची क्यों ना इससे ही आप लोगों को बता दूं, और आप लोग अपने हिसाब से इसको बना लीजिएगा। सिलिकॉन वाले मोल्ड में डालने से क्या होता है, ये बहुत आराम से निकल जाता है। यदि आप ढक्कन वगैरह में बनाएंगे तो उसके अंदर पहले थोड़ा सा घी ज़रूर लगा लीजिएगा, नहीं तो निकलने में दिक्कत कर सकता है। तो इसी तरीके से सारे में डाल लेते हैं, लेकिन इसको पानी के अंदर ही रखिएगा। अब इसको अच्छे से जमने देंगे। आप चाहें तो थोड़ा देर के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, और ऐसे भी बाहर छोड़ देंगे तो ये थोड़ा देर में बहुत अच्छे से जम के सेट हो जाएगा। तो चलिए जब ये जमता है फिर मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। तो देखिए इसको फ्रिज के अंदर रख दी थी, जिससे कि बाती बहुत जल्दी सेट हो गया है। और ये घी वाला है, और ये जो बैक्स मिला के लगाई बनाई हूँ वो वाला है, तो मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। और दोस्तों आप लोग इसमें मोम नहीं डालना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं दोनों ही तरीका बताई हूँ, तो आप लोग जिस तरीके से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। देखिए कितना ही सुंदर ये डिज़ाइन वाला, बिल्कुल बाज़ार में जो मिलता है उस टाइप से ये बाती बन के तैयार होता है। बहुत अच्छे से ये निकलता है, और इसको बहुत ज़्यादा भर भर के आपको नहीं डालना है। तो चलिए अब मैं आपको घी वाला भी निकाल के दिखाती हूँ। यदि ठंड का समय है और घी वाला आप बाती बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा, ये मेल्ट नहीं होता है। और गर्मी में यदि आप इस तरीके से बाती बनाते हैं तो इसको आपको फ्रिज में रखना होगा। तो आप चाहें तो इसको प्योर घी वाला भी बना सकते हैं और मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो घी वाला बाती भी हमारा देखिए बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से सारे बाती को बना के आप किसी भी डब्बे में इसको रख के स्टोर करके, और जब चाहे तब आप इसको आराम से जला सकते हैं। उम्मीद करूंगी दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, तभी हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच पाएगा और आप हमारे सारे ही वीडियोज को देख पाएंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।